नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने चयन मुक्ति रद्द किया है, उसमें एक और सवाल जो है सामने खड़ा हो गया। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से सेविकाओं को मांग को लेकर के जो धरना प्रदर्शन खत्म करने का तरीका था वो तो अपना करके चयन मुक्त किया। उसके बाद जो है 6 जनवरी को जो है उन्होंने चयन मुक्त रद्द कर दिया और सेविकाओं को जो है अपने ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि समय समय पर हमेशा बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन में वृद्धि किया है और इस समय भी जो है वृद्धि करेंगे, यानी इस साल भी जो है वृद्धि करेंगे। चयन मुक्ति को रद्द करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन सेविकाओं का कहना है कि हमारी मांग तो अब तक पूरी हुई नहीं, जो कि सिर्फ चयन मुक्ति इसलिए किया गया था कि नीतीश सरकार सोचा कि चयन मुक्ति ही एक ऐसी डर है जो सेविका की धरना प्रदर्शन को जो है खत्म कर सकता है, और धरना प्रदर्शन जब ही खत्म होगा तो नीतीश सरकार के सरकार में जो बवाले मच रही है वो बंद हो जाएगी, और बंद होते ही नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली। नीतीश कुमार ने चैन की सांस ली है और अब तक नीतीश कुमार जो है आंगनबाड़ी के मामलों को लेकर के कोई नई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो चयन मुक्त किया था उतनी ही बातों को लेकर के स्थगित कर दिए, लेकिन वेतन मानदेय के बारे में अगर सवाल अगर उठाए तो नीतीश सरकार अब तक कोई सवालों के जवाब नहीं। लेकिन 8 जनवरी 2024 की बैठक होने वाली है, उसमें देखना यह है कि नीतीश कुमार अब क्या करते हैं। नीतीश कुमार मानदेय के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया रखते हैं या विभाग के ऊपर छोड़ते हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने चयन मुक्ति शस्त्र का प्रयोग किया और नीतीश कुमार ने शस्त्र का प्रयोग करके पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की धरना प्रदर्शन खत्म कर दी, वही जब आंगनबाड़ी सेविकाओं के अंदर जब डर भरा गया कि चयन मुक्ति कर दिया जा रहा है तो सेविकाओं जो है अपने अपने काम पर लौटना ही उचित समझ गए, और जब अपने काम पर कुछ सेविकाएं लौटी और कुछ सेविकाएं अपने घर पे बैठना पड़ा, कुछ सेविकाओं को जो है अपने घर पर बैठना पड़ा, जिनको अपने घर पे बैठना पड़ा वह नीतीश सरकार के आदेश से उनको चयन मुक्त कर दिया गया। लेकिन वही 6 जनवरी को जो है नीतीश कुमार ने चयन मुक्ति को रद्द करते हुए आश्वासन दिया कि वेतन मानदेय के ऊपर भी हमारी सरकारें पहल कर रही है और समय समय पर पहल करती रहेगी। क्या आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका समझ चुकी है कि नीतीश कुमार चुनाव के लपेटे में आंगनबाड़ी एसोसिएशन को लेना चाह रहे, या मदन सहनी जो बयाने दी क्या उस मदन सहनी के बयानों से आंगनबाड़ी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है सचिव है वो क्या सोच रहे हैं, उस बयान को भी हम सुनाना चाहेंगे जो मदन सहनी ने कहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर 2024 के चुनाव के लेकर के क्या केंद्र सरकार भी इस पर पहल करेगी, क्या केंद्र सरकार भी चाहते हैं कि अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार अगर सेविकाओं की चयन मुक्ति रद्द किया है और वेतन पर जो जोर दे रहे हैं तो इसके एवज में क्या चुनावी माहौल को देखते हुए क्या केंद्र सरकार या भाजपा सरकार मोदी सरकार क्या करेंगे इस पर, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक सवाल उभरता है, क्या अगर बिहार सरकार अगर वेतन मानदेय के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो फैसला है वो आम जनता कह रहे हैं कि हम लोग खुद खूब समझ रहे हैं कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। जब तक एक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते, जब तक एक यूनियन को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते, समाज के बच्चों को एजुकेशन सही से मिल नहीं पाता, तब तक जो है नीतीश कुमार और राज्य सरकार के बीच जो मामला है वो नहले पे दहले की बात चलती रहेगी। लेकिन चुनाव सबसे बड़ी मुद्दा है, क्या चुनाव की लपेटे में आंगनबाड़ी एसोसिएशन को लिया जाएगा, या चुनाव के वक्त कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं तो फिर आएगा
नीतीश कुमार के ओर से या फिर भाजपा सरकार की ओर से या फिर वोट लेने की नई तरीका तो नहीं अपनाया जा रहा है, लेकिन वेतन मानदेय अगर चुनाव से पहले अगर घोषित हो जाती तो क्या आंगनबाड़ी एसोसिएशन सहायिका सेविका क्या नीतीश कुमार को चुनेंगे या फिर मोदी सरकार को चुनेंगे। लेकिन मामला यही नहीं खत्म होता, मामला और भी आगे बढ़ता है जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। लेकिन इस सवाल से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।